बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन वेजिटेबल स्पेगेटी। और इसके लिए मैंने ये आधा बड़ा कैबेज था, इसको मैंने आधा लिया है और थोड़ा मोटा मोटा काट लिया है, बारीक नहीं काटना है इसको। और ये बहुत तेज़ तेल में जो है मैंने इसको डाला है, क्योंकि हमें इसको थोड़ा सा क्रंच देना है, सॉफ़्ट नहीं करना है। अगर हल्के तेल में डालेंगे तो ये बहुत सॉफ़्ट हो जाएगा और वो अच्छा नहीं लगेगा, उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। ये जो है मैं अच्छी तरह इसमें फ्राई करके इसको और निकाल लूँगी। गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा क्रंच आ जाए इसमें, इतना हमें इसको फ्राई करना है और फिर इसे हमें निकाल लेना है। ये अच्छे से फ्राई हो रहा है और ये मैं अब निकाल लूँगी। और अब मैं जो है एक मैंने मीडियम साइज़ का गाजर लेके उसको चॉप कर लिया था, और शिमला मिर्च एक बड़ा वाला लिया था, छोटा हो तो दो ले लीजिएगा, और उसको मैंने थोड़ा सा बड़ा बड़ा काट किया। तो ये मैंने इसमें डाल दिया है गरम तेल में। देखें तेल में धुआं निकल रहा है, इसका मकसद है कि इतना ही गरम हमने ऑयल रखना है, वरना वेजीज़ जो हैं बहुत सॉफ़्ट हो जाएंगी तो वो ख़राब हो जाएंगी, फिर उसका ना टेस्ट अच्छा आएगा ना लुक अच्छा आएगा। इस तरह फ्राई करके डालने से जो है थोड़ा जायका अच्छा हो जाता है इसका। इसको भी जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे तो मैं निकाल लूँगी बाहर। ये सारी वेजीज निकाल लेनी है ऐसे। और फिर अब जो है इसी में से मैं 2 टेबलस्पून ऑयल जो है वो लेकर दूसरे पैन में डालूंगी। और इसमें जो है मैंने 8 क्लोव्स जो हैं ये लहसुन के बारीक काट के तो ये डाल दिए। और इसे हमें थोड़ा ब्राउन कर लेना है, कच्चा नहीं रखना है, थोड़ा सा इसको ब्राउन कर लीजिएगा। अगर लहसुन का टेस्ट ज़्यादा नहीं पसंद तो थोड़ा इसको कम डाल लीजिएगा, और बिल्कुल भी नहीं पसंद है तो मत डालिएगा, लेकिन इससे जायका बहुत अच्छा आता है। अब ये जैसे ही थोड़ा सा ब्राउन होगा फिर मैं इसमें जो है मेरे पास आधा किलो के करीब बोनलेस चिकन है वो ऐड करूँगी मैं। ये देखिए ये चिकन, ये जो है लहसुन, ये मेरा ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी। ये बोनलेस चिकन मेरे पास आधा किलो थी, ये थाई का बोनलेस है मेरे पास, ये थोड़ा जूसी होता है इसलिए मैंने ये वाला चूज़ किया है। आपके पास जो हो वो आप डाल सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड गोश्त होता है तो ज़रा सा गलता भी ये देर से ही है, तो इसलिए मैं इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के तो थोड़ा ढक्कन ढक के थोड़ी देर के लिए इसको पकाऊंगी मैं, ताकि गोश्त जो है हमारा अच्छा सा गल जाए, वरना उसमें कच्चापन रह जाएगा जो अच्छा नहीं लगेगा नूडल्स के साथ खाते हुए। ये ज़रा सा मैंने इसमें पानी डाला, बिल्कुल थोड़ा ही डालना है क्योंकि चिकन भी अपना पानी छोड़ेगा वरना बहुत पानी हो जाएगा। और फिर जो है मैं इसमें ढक्कन ढक के इसको मैंने 5 मिनट पकाया था, 5 मिनट बाद फिर मैंने ढक्कन हटा के इसका पानी खुशक होने लगा था तो फिर मैंने इसको भून लिया था। और भूनने के बाद अब इसमें जो है मैंने 2 खाने के चम्मच जो है वो सोया सॉस के ऐड किए थे, 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें वॉर्सेशायर सॉस का ऐड किया था। अगर ये नहीं है तो ऑप्शनल है, आप मत डालें, जायका अच्छा आता है बस इन चीज़ों से, इसलिए ऐड करते हैं। ये 2 खाने के चम्मच जो है मैंने इसमें चिली सॉस का ऐड किया है, और इसको जो है फिर मैं अच्छे से ज़रा मिक्स कर दूंगी। इसे मिक्स करने के बाद अब इसमें 1 खाने का चम्मच जो है मैंने टिक्का मसाले का ऐड किया है। कोई सा भी टिक्का मसाला आप 1 खाने का चम्मच इसमें ऐड कर दें, बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है इससे। अब इसे मैं थोड़ा सा भून के और जो वेजीज मैंने फ्राई की थी तीनों वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। अब हम इसको मिक्स करके, अब मैंने आधा पैकेट जो है नूडल्स का पानी में बॉईल करके रखा हुआ था, अब वो मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। ये आधा पैकेट नूडल्स का ये मैंने इसमें डाल दिया है, बॉईल किए हुए नूडल्स हैं ये।
अब हमें इसको आराम से जो है मिक्स कर देना है। पहले मैं इसमें अभी और जो बचे हुए हमारे मसाले हैं वो भी ऐड करूँगी। फ्लेम जो है इस वक्त थोड़ा स्लो कर दीजिएगा मिक्सिंग के टाइम पे। ये इसमें मैंने एक चाय का चम्मच पिसी काली मिर्ची डाली है और एक चाय का चम्मच ही पिसी सफ़ेद मिर्ची मैंने इसमें डाली है, और चार खाने के चम्मचे इसमें मैंने चिली गार्लिक का जो केचप आता है वो ऐड किया था। अब इसे जो है हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, और थोड़ा मैंने इसके अंदर एक खाने का चम्मच जो है वो चिकन पाउडर का भी ऐड किया था। चिकन क्यूब, चिकन पाउडर जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हैं। चिकन क्यूब हो तो ज़रा थोड़ा पहले ऐड कर दीजिएगा क्योंकि वो उसको मेल्ट होने में टाइम लगता है। मेरे पास चिकन पाउडर था तो ये मैंने एक खाने का चम्मच इस वक्त ऐड किया है इसके अंदर, और अब इसमें मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और बस 2 मिनट का इसको दम देके तो फिर ये हमारे खाने के लिए रेडी हो जाएगा। अब मैं आपको इसकी ज़रा करीब से लुक दिखा देती हूँ कैसा लग रहा है। ये देखें ये तैयार है। बनाइएगा इसको, ट्राई कीजिएगा ज़रूर, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ आपके साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।